वीडियो में हम सीखेंगे SBI पासबुक प्रिंट कैसे करते हैं SBI की प्रिंटर मशीन से। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद बहुत ही आसानी से आप अपनी पासबुक को प्रिंट कर सकते हो SBI की प्रिंटर मशीन से। और दोस्तों, आपको SBI की प्रिंटर मशीन से बैक डेट के प्रिंट करना है, एंट्री करना है SBI की पासबुक के अंदर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा। उस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप बैक डेट की भी एंट्री कर सकते हो। और आपको SBI के ATM कार्ड का पिन बनाना है, ATM से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। वहां से आप अपने ATM कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, ये सारी प्रोसेस कर सकते हो। अब दोस्तों, आपको SBI की पासबुक को एंट्री करना है, एंट्री करने के लिए ये जो बार कोड लगा हुआ है ये लगा हुआ ना जरूरी है। अब दोस्तों, आपको प्रिंटर मशीन के ऊपर कहीं पर भी डिस्प्ले पर टच करना है। टच करने के बाद में दोस्तों, यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो पासबुक है, पासबुक इस तरह से आपको प्रिंटर मशीन के अंदर डालना होगा। पासबुक को इस तरह से आपको प्रिंटर मशीन के अंदर डालना है। प्रिंटर मशीन के अंदर पासबुक को डालने के बाद में जो आपकी पासबुक के ऊपर बारकोड लगा हुआ होता है, बारकोड की जांच होगी। बारकोड की जांच होने के बाद में आपको प्रिंटर मशीन के अंदर जो भी आपका बैंक अकाउंट के अंदर नेम है डिस्प्ले पे आपको शो करेगा। इस तरह से ये सारी प्रोसेस करनी होगी। यहाँ पर आपका बारकोड की जाँच हो रही है। जाँच होने के बाद में यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर दिखा देगा कि आपका पेज कितना प्रिंट होगा। तो दोस्तों, अभी पासबुक प्रिंट हो रही है, इंतज़ार करना है। पासबुक प्रिंट होने के बाद में आपको पासबुक को प्रिंटर मशीन से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद में अगला पेज प्रिंट करने के लिए इस तरह से आपको पेज चेंज करना है। पेज चेंज करने के बाद में आपको फिर से आपको प्रिंटर मशीन के अंदर पासबुक को प्रिंट करने के लिए डालना होगा। डालने के बाद में दोस्तों, आपका जो भी अगला पेज है वह प्रिंट होना यहाँ से शुरू हो जाएगा। आपकी फिर से बारकोड की जाँच होगी। जाँच होने के बाद में प्रिंट होगा अगला पेज। प्रिंट होने के बाद में आपकी डिस्प्ले पे, यहाँ पे प्रिंटर मशीन की डिस्प्ले पे आ जाएगा कि आपका जो भी पासबुक है प्रिंट हो गया है सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप अपनी पासबुक को प्रिंट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जब भी मेरा न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।